हेलो दोस्तों, श्रेणी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस 2020 एक नया भर्ती आया है वनपाल का। इससे पहले यह भर्ती नहीं हुआ था और यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन से टाइम में आया है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, जो कि वैकेंसी पूरा करता है, इसके आपको फॉरेस्ट गार्ड वाला टाइम में आइएगा। कुछ दिन पहले फॉरेस्ट गार्ड का आया है, ये फॉरेस्टर का है, उससे ऊपर लेवल का ये जॉब है। तो यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर देखिए ये वाला 04/2020 वाला नोटिफिकेशन देखिएगा, इसी में यह वैकेंसी आया है। पूरा कितना वैकेंसी है चलिए देख लेते हैं। देखिए जो विज्ञापन संख्या है 04 के अंतर्गत यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, जो कि लास्ट डेट है, अंतिम तिथि जो है 10/9/2020 से भरने का। इसमें 236 पोस्ट है, अच्छा खासा पोस्ट है, 236 पोस्ट। और यहाँ पर ये देखिए वनपाल, ये लिखा हुआ है वनपाल का पोस्ट है, जो कि पहली बार, और ये लेवल 5 का पोस्ट है, याद रखिएगा ये लेवल 5 का पोस्ट है। अच्छा खासा इसका पेमेंट भी होता है और बहुत रॉयल प्रोफाइल का जॉब भी है। ये फॉरेस्ट गार्ड के ऊपर होते हैं आपको वनपाल, ठीक, वन रक्षक के ऊपर होते हैं। ये कब से भर सकते हैं और कौन कौन ये आवेदन कर सकते हैं, तो आवेदन की प्रक्रिया कल ही से शुरू हो जाएगा आपको 27 से। यहाँ पर देखिए ये वाला दिया हुआ है यहाँ पर, और इसे कौन कौन भर सकते हैं, क्या क्या इसमें मांग रहा है ये देख लेते हैं। ये देखिए कैटेगरी वाइज सीट दिया हुआ है इसमें, जो कि सामान्य है, जो कि अनारक्षित होता है, ठीक। ये जो है इसमें आपको 91 मेल के लिए है और फीमेल के लिए इसमें से 32 सीट है। तो टोटल सीटों की संख्या ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। आर्थिक रूप से कमजोर जो है उनके लिए 23 सीट है, जिसमें से 6 सीट लड़कियों के लिए रिजर्व है, क्योंकि 35% रिजर्वेशन होता है। फिर अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 37 सीट है, जिसमें से 13 सीट लड़कियों के लिए रिजर्व है। अनुसूचित यहाँ पर जनजाति के लिए 3 सीट है, जिसमें से 1 सीट लड़कियों के लिए रिजर्व है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 49 सीट है और जिसमें से 14 सीट जो है ये लड़कियों के लिए रिजर्व है, ठीक। और पिछड़े वर्ग के लिए 24 सीट है, जो कि 8 सीट रिजर्व है, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 9 सीट है, जो कि ये महिलाओं के लिए ही सिर्फ होता है। ये जो भी वैकेंसी था ये पुराना वैकेंसी है, इसी के इंतजार किया जा रहा था आज के डेट में, कि आज के डेट में आएगा ये, और ये वैकेंसी आ चुका है। आपका जो कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा एज में, ये 1 जनवरी 2020 निर्धारित किया जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 1 जनवरी 2020, ठीक। आरक्षण क्या है, आरक्षण वही मिलता है जैसे कि आपको प्रक्रिया के तहत जो 1991 अधिनियम है और बिहार अधिनियम 3/1992 के अंतर्गत जो संशोधित समय समय पर होते रहता है, इसके अंतर्गत मिलता है, जिसमें यहाँ पर 35% जो है महिलाओं को आरक्षण है, महिलाओं का प्रावधान यहाँ पर दिया हुआ है, और 3% जो है वो अलग से मिलता है, ठीक। यहाँ पर देखिए बिहार के राज्य के स्वतंत्रता सेनानी की पोता नाते नतनी के लिए जो अलग से 2% इसमें से आपको आरक्षण दिए जाते हैं, ये याद रखिएगा। वनपाल पद पर आवेदन हेतु पात्रता, मुख्यतः यही आपको देखना है कि इसमें से क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको भारत की नागरिक होनी चाहिए, भारत के नागरिक, ठीक। आपको क्या होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता में क्या होनी चाहिए, इंटरमीडिएट, यहाँ देखिए साफ इंटरमीडिएट आपको विज्ञान स्ट्रीम से होना चाहिए, यानी कि आर्ट्स कॉमर्स किए हैं तो नहीं चलेगा, ठीक। साइंस वाले ही स्टूडेंट ये भर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है साफ साफ। वनपाल पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त या विश्वविद्यालय या काउंसिल से इंटर विज्ञान अथवा समक्ष उत्तीर्ण होगी, तो इंटर विज्ञान से आपको उत्तीर्ण होना है। अभ्यर्थी की उम्र मैट्रिक या समक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र पर अंकित जन्म की तिथि के अनुसार होगा, जो कि मैट्रिक पर आपको होगा, और उसके अंतर्गत कितना आपको होना चाहिए, तो अगर समान जो है वर्ग के आपको पुरुष महिला दोनों के लिए 18 से 25 दिया हुआ है, तो 18 से 25 तक होने की चाहिए इनका उम्र, 18 से 25। इसमें आपको मेल फीमेल दोनों है, सामान्य वर्ग में अनारक्षित जिसे बोला जाता है, ठीक। फिर आता है आपको आर्थिक रूप से कमजोर, तो इनको बस आरक्षण, इसके उम्र में कोई इनका आरक्षण नहीं लागू होता है। फिर पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है, बीसी और एबीसी जो है, इनके लिए 18 से 27 वर्ष है, ये याद रखिएगा, पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए है। फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिलाओं के लिए 18 से लेकर 30 तक है, आपको इसमें याद रखिएगा। बिहार सरकार में कार्यरत ऐसे सेवक जिन्होंने कट ऑफ तिथि एक नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो, मीन्स के 3 साल तक कम से कम जॉब वो पूरा कर लिया हो, उनको भी आयु सीमा में छूट दिया जाएगा, मीन्स की उम्र में 5 वर्षों का। अभ्यर्थी की आयु की गणना मैट्रिकुलेशन या समक्ष परीक्षा स्तर के प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग किया जाता है आपको, जो कि मैट्रिक में जो प्रमाण पत्र होता है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि अभ्यर्थी के शारीरिक मापदंड क्या होता है। तो अभ्यर्थी के शारीरिक मापदंड में ये मीन्स की ऊंचाई जो मांग रहा है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए अन्य में आ जाएंगे आपको ABC, BC और जनरल, EWS, ये सब जो आ जाएंगे अन्य में आ जाएंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का अलग से दिया हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको न्यूनतम ऊंचाई जो है ये आपको अन्य में, मीन्स की ये बात हो रहा है आपको OBC, जो कि बिहार में 2 हो गया है, BC1 BC2 में, जिसमें ABC भी आता है, ये और एक सामान्य जाति और EWS, ये सभी के लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए, लेकिन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के यहाँ पर 160 सेंटीमीटर चाहिए, पुरुष के लिए मैं बात कर रहा हूँ। फिर आपको शीना फुला ये आपको चाहिए, तो ये 79 चाहिए आपको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, और 81 सेंटीमीटर यहाँ पर देख सकते हैं, 81 सेंटीमीटर क्या है, ये चाहिए आपको जनरल के लिए, आपको आपको ओबीसी में जो BC1 BC2 है इनके लिए चाहिए, ठीक। अब इसके बाद आता है नीचे वाला, आप देखिएगा, इसके बाद आप
सीना के न्यूनतम फुलाव जो होता है ये 5 सेंटीमीटर दोनों में आपको कम से कम होना चाहिए। पैदल चलने की क्षमता देखिए वही है जो कि फॉरेस्ट गार्ड में है, यहाँ पर देख सकते हैं पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर दोनों के लिए है, इसमें कोई आरक्षण नहीं है। अब हम बात करते थे महिलाओं की हाइट का, ठीक, तो महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर चाहिए, ये बहुत ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए, माफ कीजिएगा, इनका चाहिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का। और इसके बाद जो अन्य महिलाएं होंगी जैसे कि ABC, BC और जनरल, EWS, ये सभी महिलाओं के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए हाइट। फिर पैदल चलने की क्षमता चाहिए, पैदल चलने की क्षमता में इनको क्या चाहिए, तो 4 किलोमीटर में 14 किलोमीटर इनको पैदल चलना है, ये सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए चाहिए। ठीक, आगे फिर देखते हैं, ये देखिए अब रिटन एग्ज़ाम हम देख लेते हैं, रिटन एग्ज़ाम कैसे होगा। ठीक, तो रिटन एग्ज़ाम आपको 100 प्रश्न होंगे और 400 अंकों का होगा, मीन्स कि एक प्रश्न पर आपको 4 अंक मिलने वाला है। अब ये क्या होगा, एक प्रश्न पर 4 अंक मिलने वाला है, तो यहाँ पर प्रश्न 4 भागों में ये डिवाइड होगा, जैसे कि आपको फॉरेस्ट गार्ड में है। भाग वन में जो होगा ये 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होंगे, जो सामान्य ज्ञान के 15 मात्र प्रश्न, 15 प्रश्न जो होंगे ये तार्किक कौशल से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होंगे, जो कि रीजनिंग उजनिंग हुआ ये। ठीक, अब भाग तीन में जो होगा ये प्रश्न यथा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान अथवा गणित पर आधारित होंगे, जो विज्ञान या तथा गणित में किसी भी एक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा, मीन्स कि या तो आप गणित का चयन कीजिए या आपका जीव विज्ञान का चयन होना अनिवार्य होगा। उक्त दोनों विषय जीव विज्ञान अथवा गणित में से किसी एक चयनित विषय के विषय कोड आपको लिखना होगा OMR में, और वहां से क्वेश्चन निकल कर आएगा, अलग से वहां क्वेश्चन निकल कर आएगा, जो कि 50 क्वेश्चन होगा। ठीक, या तो मैथ लीजिएगा या जीव विज्ञान लीजिएगा, इसीलिए बोल रहा है कि साइंस स्ट्रीम के ही लड़के आप डाल सकते हैं, या तो आप इंटरमीडिएट में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, इसमें से कोई ना कोई आपको होना चाहिए। ठीक, भाग चार में देखिए, भाग चार में आपको सामान्य हिंदी होंगे, सामान्य हिंदी में वहीं आपको कितने प्रश्न आएंगे, तो 10 प्रश्न आएंगे, जो कि हिंदी व्याकरण और सामान्य जानकारी, जो गद्यांश, पठित गद्यांश, पठित गद्यांश यहाँ से आता है, यहाँ से आपको रहना चाहिए। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और इसके आपको रणनीति बनाकर तैयारी करना होगा। इसका जो सिलेबस होगा ये ऑफिशियल टैब पर उपलब्ध है। ठीक, अब मैं आगे बात कर ले, देखिए अब मैं आपको ऑफिशियल ले चलता हूँ, ऑफिशियल मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पर ये वैकेंसी आया है और कहाँ से आप सिलेबस अपना डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, जो लोग अच्छे से तैयारी करते हैं, और ये इसमें साइंस है और इसमें मैथ और साइंस वाले ज़्यादातर स्टूडेंट भरेंगे, क्योंकि वहीं भर ही सकते हैं, क्योंकि वहीं मांग ही रहा है। ठीक, तो चलिए हम वहाँ आपको लेकर चलते हैं। अपना गूगल खोल लीजिएगा, उसमें आपको क्या करना है, CSBC टाइप करना है। क्या CSBC, मैं यहाँ पर खोल कर पहले ही टाइप में सेट किया रहता हूँ, तो CSBC यहाँ पर खोलिएगा, तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट के ये वाला टाइप पर आना है आपको, फॉरेस्ट गार्ड वाला, इस पर आइएगा तो ये आपको वैकेंसी आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये आज ही के डेट में ये वैकेंसी आया हुआ है, कुछ घंटे पहले आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा आपका वैकेंसी, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड कर सभी प्रक्रिया इसमें पढ़ लीजिएगा। अब रहा सिलेबस की बात, तो सिलेबस के लिए ये वहाँ पर मैं हाँ जा कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको सिलेबस भी खुल कर आ जाएगा और यहीं पर आपको सिलेबस ये अपलोड कर दिया जाएगा 04/2019 से रिलेटेड। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा, 04/2019 से रिलेटेड यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा, और ये फॉरेस्ट गार्ड का तो किया जा चुका है, अब यहाँ पर फॉरेस्टर का किया जाएगा। ठीक, तो यहीं से आप अपना सिलेबस देखिएगा, यहाँ पर सिलेबस आ जाएगा आपका। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इस बारे में कुछ भी पूछना है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं टाइम टू टाइम इस पर वीडियो बनाकर अपडेट करते रहूँगा। और ये फॉर्म जरूर डालिएगा, जो लोग साइंस से, मैथ से इंटरमीडिएट किए रखे हैं, बहुत ही अच्छा जॉब है और बहुत ही आगे बढ़ने के ऊपर अपॉर्चुनिटी भी है। ऐसे नहीं कि बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल में जैसे है जैसे इतना जल्दी नहीं बढ़ सकते, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड में आप बहुत जल्दी ऊपर जा सकते हैं। ठीक, तो वीडियो देखने के आपका बहुत